I am Dr. Neda Waheed and today I will discuss how to predict your VO2 max using astrant rhyming nomogram. Basically, this is the part of exercise physiology OSPI or exercise physiology practical. As we already discussed VO2 max in my last presentation, you can watch that video in which we discussed detail uh, in VO2 max. What is VO2 max? Basically, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय लार्ज मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो आप जो भी ऑक्सीजन uh, यूज करें एक्सरसाइज के दौरान डाटाज कॉल्ड वी ओ टू मैक्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू असिस कार्डियो रेस्पायरेटरी फिटनेस सो इट डिपेंड्स ऑन कार्डियो ऑन योर कार्डिक आउटपुट एंड इट डिफरेंस एक्सरसाइज इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है आपका ऑक्सीजन अपटेक उतना उतना बढ़ रहा है हमने कार्डियोवेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हमने देखा था कि वीओ टोमैक्स से हम बता सकते हैं कि आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कितना एफिशेंटली वर्क कर रहा है पिक इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर, सक, कर चुके हैं जिसमें जो है आपका किस पर डिपेंड कर रहा है कार्डिक आउटपुट एंड एट्रियोवेनस डिफरेंस कार्डिक आउटपुट आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर डिपेंड करता है और एट्रियोवेनस डिफरेंस आपका आर्टीरियल ऑक्सीजन कॉन्टेंट एंड वेनस ऑक्सीजन कॉन्टेंट डिफरेंस हम निकालते हैं और इन दोनों आपस में स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वीओ टू मैक्स आ जाता है मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं हमने ट्रेडमिल वाला प्रोसीजर्स डिस्कस uh, कर लिया डिटेल में और अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि साइकिल 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 के ज़रिए नोमोग्राम के ज़रिए आप कैसे मेजर करते हैं तो अब देखें वी ओ टू मैक्स अगर आपको रनर्स में मेजर करना है तो आप ट्रेडमिल वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे ताकि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आप चेक कर सकें कि उसका जो वी ओ टू मैक्स कैसा है अब साइकिलिस्ट में आप साइकिल वस के जरिए चेक करेंगे अगर आप साइकिलिस्ट में ट्रेडमिल वाला करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे और इसी तरह रनर्स में अगर आप साइक रनर्स में अगर आप साइकिलस्ट वाला करेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल चूज का आपके पास टोटल uh, के लिए सेट करेंगे हंड्रेड वाट फॉर मेल के लिए सेट करेंगे, करेंगे उसके बीच में आप दो मिनट का रेस्ट देंगे इनिशियल वर्क रेट आपका क्या होगा फिफ्टी टू वन फिफ्टी वाट फॉर फीमेल्स एंड हंड्रेड टू 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 हंड्रेड वॉटर मील्स है। बाकी आपके जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं जो भी आप पर्सन ले रहे हैं उसके इंटेंसिटी लेवल पर डिपेंड करता है कि उसका इंटेंसिटी लेवल किस तरह का है तो आप उसके हिसाब से आप चूज़ करेंगे अब आप क्या करेंगे आपने हार्ट रेट रिकॉर्ड करना है। और जितने भी एक्सपायर्ड एयर है जो भी कलेक्ट हो रही है थर्टी सेकेंड के बीच में आपको वो यहाँ देखें ये इसमें रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन में फिर उसके बीच में आपने रेस्ट देना है न, तीन मिनट का और इस तरह आपने क्या करना है कि आपने आ, आ, जो वर्क रेट है उसको इंक्रीज करते जाना है फिफ्टी वाट से और आपने स्टेज थ्री और स्टेज फोर तक आपने प्रोटोकॉल करना है वो अपने इतना इंक्रीज करना है कि ट्वेंटी फाइव वार्ड तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं अब अगर सब्जेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर सकता है तीन मिनट पूरे तो जो भी गैस कलेक्शन है यानी आप ऑक्सीजन जितना भी जो उसने यूज़ किया हुआ है वो जो है उसकी रीडिंग तो आपके पास आ जाएगी आपने क्या करना है ऐट द एंड क्या करना है जो भी रीडिंग आ रही है आपने जो भी वर्क रेट बढ़ाया आपने उसको नोट कर लेना है ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं इस तरह का आपके पास इक्विपमेंट होगा ऑक्सीजन वो इनहेल हो रही है और साथ साथ वो, वो वर्कआउट कर रहा है अब वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है और जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वो नोट हो रही है ठीक है आपने उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर लेना आपने जो भी आपके सब्जेक्ट को और इस तरह आपने 20 मिनट्स के दौरान आपने उसकी जो पूरी रीडिंग्स ले लेनी है अब अगर आपको सब्जेक्ट बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं आप इसको विड भी कर कर सकते हैं लेकिन अगर वो सब्जेक्ट बोल रहा है कि हाँ नहीं मुझे फिटीग हो रहा है या इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या अगर उसको एग्जर्शन हो रहा है तो ये आपके पास देखें इस तरह का आपके पास इक्विपमेंट होगा स्कोरिंग आप नोमोग्राम पे करेंगे स्कोर नोमोग्राम बेसिकली आप ये चार्ट देख सकते हैं इसके ज़रिए आप क्या करें टू तो मैक्स की क्या करें मेजरमेंट्स आप मालूम करें इसका हमें फ़ायदा क्या है बहुत आसान टेस्ट होता है अकॉर्डिंग uh, टू स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है ई सी जी मोनीटरिंग हो रही है आपको एक्सरसाइज के दौरान डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो है मैक्सिमम हार्ट रेट है वो डिफरेंट आ सकता है ठीक है और इसकी बेसिस पे जो है क्या हो रहा होता है कि जैसे जैसे एज रही होती है इसी तरह क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो जो है वो डिबेरी कर रहा होता है और ये अगर साइकिल Uh, जो साइकिलिस्ट परफॉर्म करें तो उनके लिए तो बेहतर है लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं बेहतर है तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू अल्लाह हाफ